stay healthy, stay happy. That's happiness mantra. It is very simple but very difficult. How? The world famous mantra healer giving solutions to all the problems, dowsing astrologer Sanjay Lodha Jain sir will give you very special tips for leading an extraordinary life and will help you to recover from all your problems. Sanjay sir teaches mantra healing, dowsing astrology, Reiki and Vastu too. His teachings are based on life facts and universal truths. Lord Sri Ghantagan Mahavir ji is his Ishtadev and he works with Lord's wishes. In the special CD, you will get very special solution tips which you will have to follow with your very pure heart and concentration of your Ishtadev and you will definitely be benefited. You are free to share your views and suggestions on our website www.julesastro.com or www.barcproducts.com or mail us on sanjayonline08@gmail.com or redifmail.com. You can also meet him personally as well as through video conferencing and can take appointment for dowsing astrology or mantra healing. His dowsing consultation charges are just ₹1100 only. संजय सर की पहली सीडी मंत्र हीलिंग फॉर गुड हेल्थ जिसका फायदा हजारों लोग उठा रहे हैं अब प्रस्तुत है दूसरी सीडी खुश रहे स्वस्थ रहें यही है हैप्पीनेस मंत्र बात बहुत आसान है लेकिन अत्यधिक मुश्किल भी है कैसे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु मंत्र हीलर सवाल सुनकर उसका समाधान बताने वाले डाउजिंग एस्ट्रोलॉजर संजय लोढ़ा जैन सर आपको देंगे बहुत ही स्पेशल टिप्स जो आपके जीवन में असाधारण रूप से समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेंगी संजय सर जो मंत्र हीलिंग डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी रेकी और वास्तु भी सिखाते हैं वो किताब से अलग हटकर जीवन और अध्यात्म पर होती हैं क्योंकि उनके इष्ट देव हैं प्रभु श्री घंटागण महावीर जैसा उनसे आदेश मिलता है संजय सर वैसा ही बताते हैं और करते भी हैं आपको इस सीडी में जो विशेष टिप्स समाधान मिलेंगे आप उन्हें अपने इष्ट देव का ध्यान करके पूरे मन से करें आपको अवश्य ही शानदार लाभ मिलेगा इस बारे में अपने सुझाव हमारी वेबसाइट अथवा ईमेल पर अवश्य ही शेयर करें संजय सर से व्यक्तिगत मिलने के लिए अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करने के लिए आप समय ले सकते हैं डाउजिंग कंसल्टिंग फीस मात्र ₹1100 है ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमो स्तुते ओम ठ ठ ठ स्वाहा जय जिनेन्द्र नमस्कार हैप्पीनेस मंत्रा यूजफुल एस्ट्रो टिप्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन में बहुत ही उपयोगी एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषी टिप्स ईश्वर ने मनुष्य योनि के साथ आपको सुख और दुख दोनों पहलू दिए हैं दुख में अपने ईश्वर का स्मरण हमेशा रखें याद रखें जीवन में कभी भी मुश्किल और तकलीफों में अपना धर्म कभी ना छोड़ें हर धर्म के आगे हाथ जोड़ें लेकिन अपना धर्म पकड़कर चलें तो जीवन में कभी भी आपको जो दुख आएंगे उससे पार निकलने में बहुत आसानी प्राप्त होगी क्योंकि ईश्वर के रास्ते से ही विजय मिलती है ईश्वर के रास्ते से ही आप विजेता बनते हैं हर विजेता हार पहनकर जीतता है इसलिए हार से नहीं डरें मैदान कभी ना छोड़ें और हार से कभी ना डरें नाउ लेट अस स्टार्ट अवर हैप्पीनेस मंत्रा टिप्स हम शुरू करते हैं हमारी हैप्पीनेस मंत्रा टिप्स को शुरुआत करेंगे उस जगह से जहाँ पर जिस जगह पर आप रहते हैं यानी आपका निवास स्थान आपका घर लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हमें हमारे घर में बहुत अच्छा नहीं लगता कई घरों में तनाव रहता है चिड़चिड़ाहट भी होती है तो हमें उस तनाव उस चिड़चिड़ाहट को दूर करने के लिए क्या करना है सबसे पहले हमारे आपके घर में रहने वाले जो भी वरिष्ठ जन हैं जो भी बड़े हैं वो सोते समय अपना सिरहाना मतलब अपना सिर ईस्ट दिशा पूर्व दिशा में रखकर सोएं उसके बाद आप ध्यान दें जो आपका पूजा स्थान है घर में वो भी ईस्ट दिशा में ही होना चाहिए भगवान का मुख पश्चिम दिशा में होगा जब आप पूजा करेंगे तो आपका मुख पूर्व दिशा यानी ईस्ट दिशा में होगा
आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे उसके लिए इस बात का और विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी पूजा को नियमित कर रखें। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके घर में आपकी पूजा नियमित रहे, घर में साफ सफाई रहे, किसी भी प्रकार की गंदगी ना रहे और जो नॉर्थ ईस्ट कोण है, ईशान कोण है, उसको साफ सुथरा रखें। वहाँ पर भले ही कुछ ना रखें, आप भले ही किसी भी देवी देवता की स्थापना ना करें, लेकिन उसको साफ सुथरा अवश्य रखें। हैप्पीनेस मंत्रा की दूसरी टिप। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, उनका यह कहना होता है कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति होती है, बड़ी थकान महसूस करते हैं, दिन भर लो एनर्जी फील करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम आपको एक टिप दे रहे हैं। रात को सोते समय अपने सिरहाने, अपने सिर की साइड में एक कांच के गिलास में पानी भरकर रखें। इस तरह से कांच के गिलास में पानी भरकर रखें और उसमें 5 लौंग डाल लें आप। इस तरह से 5 लौंग डाल लीजिए आप। इन 5 लौंग का ये जो गिलास है, ये आपको अपने सिर के साइड, सिरहाने की साइड में रखना है। उसके बाद सुबह उठते ही इस गिलास को आप अपने सिर से लेकर पैर तक इस तरह से उतारें और ये वाला पानी लेकर वॉश एरिया में डाल दें। इस चीज़ को नियमित करेंगे, रेगुलर आप करते रहें, आप थोड़े दिन में ही पाएंगे कि जो आप लो एनर्जी फील कर रहे थे वो एक हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, आपको थकान और तनाव महसूस नहीं हो रहा है। देन यू विल फील फ्रेश व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब रेमेडी दे रहे हैं हम आपको जोड़ों के दर्द की, घुटनों के दर्द की। अक्सर ये देखने में आता है कि आजकल कम एज के लोगों को भी घुटने का दर्द या जोड़ों का दर्द बहुत होता है। ऐसे केस के अंदर मैं आपको जो रेमेडी दे रहा हूँ, आप उसका निश्चित रूप से पालन करें, आपको बेहद फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप फटे हुए सॉक्स या फटे हुए शूज़ नहीं पहनें। ऐसा करने से नीचे की तरफ से आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि एक कौड़ी आती है, आपने सुना होगा कौड़ी के बारे में, तो वो कौड़ी 3 पीस लें। इस तरह से आप इस कौड़ी के 3 पीस लीजिए, इसको ऊपर से नीचे आप अपने सर से लेके पैर तक, फ्रॉम हेड टू बॉटम, आपको 7 बार उतारना है और उतार कर किसी भी मिट्टी में दबा दें। 37 डेज तक ये वाली एक्टिविटी करें आप। उसके बाद वो सारी कौड़ी मिट्टी समेत आप कहीं भी बाहर किसी डस्टबिन में डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको बिना दवाई के ही जोड़ों के दर्द और घुटने के दर्द में फ़ायदा मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट रेमेडी इज़ फॉर अनयूजुअल फियर। बात करते हैं अज्ञात भय की। अधिकतर व्यक्तियों में आपने ये देखा होगा कि जिनको अज्ञात भय की दिक्कत होती है, कुछ व्यक्तियों में आपने ये देखा होगा कि जिनको अज्ञात भय की दिक्कत होती है, अर्थात घटना दुर्घटना कहीं और होती है और उनको ऐसा लगता है कि ये घटना दुर्घटना उन्हीं के साथ होने वाली थी या उन्हीं के साथ हो सकती है। ऐसे केस में आप उस व्यक्ति के साथ क्या करें? आपको सबसे पहले करना यह है कि आप उस व्यक्ति के नहाने के पानी में, मीन्स एक बकेट पानी में एटलीस्ट 10 ड्रॉप्स ऑफ काव यूरिन, गोमूत्र की 10 बूंदें मिला दें। ऐसा करने से राहु का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता है और व्यक्ति का अज्ञात भय भी धीरे धीरे कम होता है। इसके अलावा एक और दूसरी रेमेडी आपको करना है कि ऐसे व्यक्ति के भोजन में आप सिल्वर का कोई भी एक बर्तन, यानी पानी का गिलास हो सकता है, वो स्पून हो सकता है, अवश्य यूज़ करवाएं। तीसरी चीज, सोमवार के दिन जब चंद्र का उदय हो जाता है, जब चंद्रमा उदय हो जाता है, उस वक्त एक गिलास पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसको किसी भी पेड़ में डाल दें। ध्यान ये रखना है कि वो पेड़ तुलसी का नहीं हो। आप इन एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ करवाएं। आप देखेंगे कि वो अज्ञात भय, अनयूजुअल फियर से बाहर निकलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। नाउ नेक्स्ट रेमेडी इज़ फॉर लोन प्रॉब्लम्स। ऋण मुक्ति के लिए आप क्या करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के युग में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप इस बात को समझें। सबसे पहले शनि मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को शुरू करना चाहिए। मंत्र में आपको बताता हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह श्री भैरवाय शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप रोज 17 मिनट सुबह या शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने शरीर का लेफ्ट पार्ट, अपने शरीर के बाएं भाग की मालिश करवाए और उसके बाद में गर्म पानी से नहा ले। ये कुछ बड़ी साधारण सी विधि है, लेकिन बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी आपको फ़ायदा दे सकती है। तीसरी चीज़, आप श्री घंटागण महावीर को या अपने इष्ट देव को चांदी की 3.5 इंच लंबी तलवार पूरी भावना और पूरे मनोभाव के साथ अर्पित करें। अभिलाषा रखें मन में कि आपको जल्दी ही अपने ऋणों से, अपने लोन्स से मुक्ति प्राप्त हो। बेटे का नहीं होना दुख नहीं है, बल्कि बेटे का होकर भी नहीं होना दुख है।
इसलिए बेटा बेटा नहीं करें, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी आपकी संतान अच्छी हो और बढ़िया हो। कई लोगों के विवाह हुए बहुत वर्ष बीत जाते हैं लेकिन उनको संतान नहीं होती। ऐसे पति पत्नी, ऐसे हस्बैंड वाइफ तुलसी के पौधे में श्री शालिग्राम जी को रखकर उनकी चंदन और हल्दी के साथ पूजा करें, या माता पद्मावती जी को 3 शुक्रवार 3 फ्राइडे लगातार 17 ग्राम चांदी के चावल सिल्वर राइस अर्पित करें। यूं तो मंत्र हीलिंग से भी ये संभव है और बहुत बेहतर है, आश्चर्यजनक नतीजे भी इसके प्राप्त होते हैं। साथ ही थर्सडे के दिन आप अपने किसी भी गुरु मंदिर में येलो स्वीट्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा करने से आपके जीवन की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। प्लीज़ रिमेंबर, हम अभी जो भी आपसे बातें कर रहे हैं उन बातों की पॉजिटिव ग्रेविटी को भी अपने डाउजर से चेक कर रहे हैं, तो हमारा डाउजर का मूवमेंट हमको ये बताता है कि जो बात हमने आपसे कही है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है और उसको करने से आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चों को एजुकेशन सिर्फ स्कूल से ही प्राप्त नहीं होती है, उनका अपना लक और पेरेंट्स का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बात हमारा डाउजर कितनी अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में बता रहा है ये आप भी देख सकते हैं। तो बच्चों के अच्छे लक के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उनके रूम में एक चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीची हो वहाँ पर रखें आप, उससे उनको फ़ायदा होगा। जो बच्चे बेहद ज़िद्दी और हटी स्वभाव के होते हैं ये उनके लिए ये रेमेडी और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। उनके रूम में लाइट कलर्स का उपयोग करें, हल्के हल्के कलर्स का उपयोग करेंगे आप उनके रूम में तो उनका ज़िद्दीपन और हटीपन भी कम होता है। गुड लक के लिए एक लाइट पर्पल कलर का एमेथिस्ट सिल्वर लॉकेट में उनके गले में डालें। ये चीज़ें उपयोग निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और आप चाहें तो मंत्र हीलिंग का लाभ भी ले सकते हैं। मंत्र हीलिंग से इस तरीके के केसेस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड बाय मंत्र हीलिंग एंड गेट बेनिफिटेड बाय मंत्र हीलिंग। रेमेडी फॉर कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। आजकल बच्चों पर एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, कहीं बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है तो कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर है। एक्चुअली दे रिक्वायर्ड मोर कंसंट्रेशन मोर कॉन्फिडेंस। उसके लिए सबसे पहले उनके रूम में आप एक ग्रीन प्लांट रखें। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो कुछ सेकंड्स, मैक्सिमम 100 सेकंड्स के लिए एक पूरी सांस में ओम का उच्चारण करें इस तरह से, ओ, इस तरह से उच्चारण करने पर ओम की जो हमिंग होगी उससे उनका कंसंट्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसके बाद एक ग्रीन जेड सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, उसका लाइट कलर का ग्रीन जेड का वो स्टोन का एक सिल्वर में लॉकेट बनवाकर गले में धारण कर सकते हैं। मंत्र हीलिंग भी इसके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। रेमेडी फॉर गुड करियर। जब एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन के बाद एक चिंता सताने लगती है आज के कम्पिटिटिव युग में, करियर की, जॉब की या प्रोफेशन की। एक अच्छे जॉब या एक अच्छे प्रोफेशन के लिए जब आप मेहनत करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दें। नशे से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहें, क्योंकि नशा आपके जीवन में, करियर में रुकावट पैदा कर सकता है। अपने माता पिता, अपने पूर्वज, उन सबका आशीर्वाद लें और साथ में आप अपनी पूजा नियमित करें। भले ही आप 5 मिनट की पूजा कर सकते हो तो आप करें। चांदी के 2 कॉइन लीजिए, उन दोनों कॉइन को एक साथ चिपकाइए और उसको अपनी पॉकेट में रखना शुरू करिए। ये राहु का दोष भी दूर करेगी। एक लाइट पर्पल कलर का एमेथिस्ट आप गले में लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। इसको व्हाइट गोल्ड या सिल्वर में धारण करें। ये आपके लक के लिए काम करेगा, क्योंकि बेटर लक आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा। बेटर लक विल प्रोवाइड यू बेटर अपॉर्चुनिटीज। हम अपने डाउजर से पूछ रहे हैं, अगला टॉपिक ले रहे हैं हम अर्ली मैरिज का, राइट? ओके, तो रेमेडी फॉर अर्ली मैरिज, शीघ्र विवाह होने के लिए ये रेमेडी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जिन लोगों की मैरिज में डिले होता है उनको ये ध्यान रखना है कि वो सोते समय अपना सिरहाना पश्चिम में रखें। दूसरी बात, 7 साबुत हल्दी की गठान लें। 7 गुरुवार तक रोज़ सुबह के टाइम अपने सिर से पैर तक 7 टाइम्स, मींस मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम 7 टाइम्स उतारें और उसके बाद अपने पीछे की तरफ फेंक दें। ऐसा 7 गुरुवार लगातार करें। डू इट कंटिन्यूसली फॉर 7 थर्सडेज। विवाह योग्य जो भी लड़के लड़की हैं, एक गोमुखी शंख को एक कांच की प्लेट में थोड़ा सा पानी भरकर उनके रूम में रखें और उस शंख का मुख उनके रूम के गेट की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा एक सिल्वर रिंग, एक्वामरीन स्टोन, एक्वामरीन लाइट ग्रीन कलर का एक स्टोन होता है, उस स्टोन का अंगूठी या उसका लॉकेट उनको पहनना चाहिए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें तो चमत्कारिक रूप से उनका विवाह अच्छा होगा और शीघ्र होगा और समय पर होगा। रेमेडी फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी। ओम घंटाकर्ण महावीर धन समृद्धि प्रवर्धय, राज्यम च मानम च बलम बुद्धिम प्रवर्धय। बात करते हैं धन की। कहावत है ना, धन बिना पृथ्वी नहीं, निर्विवाद सत्य है, बिना धन के किसी की भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो अब धन की स्थिरता कैसे बनाकर रखी जाए, उस चीज़ पर ध्यान देना होगा। एक श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसको नियमित करें और नियमित संख्या में करें। श्री यंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात को ध्यान रखें, नियमित करें और नियमित संख्या में करें। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, जिस भी अलमारी में, वो अलमारी ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में ही रखें, इसके अलावा और कहीं ना रखें। कमलगट्टा, जिससे कमलगट्टे की जो माला होती है, जिससे महालक्ष्मी के मंत्र का जाप किया जाता है, उसमें से 21 दाने कमलगट्टे के आप निकाल लें, उनको एक प्लास्टिक की डब्बी में थोड़ा सा कैम्फर कपूर डालकर रखें और उसको अपने उस स्थान पर रखें, उस अलमारी में रखें जहाँ पर आप धन रखते हैं या अपना कैश से रिलेटेड या ऑर्नामेंट्स रखते हैं। धन की स्थिरता तो बनेगी बनेगी, धन का फ्लो भी बढ़ता है। जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर चांदी के 5 बादाम या बादाम के ऊपर चांदी का वर्क लगा लें, उनको एक लाल मखमल के डिब्बे में उस जगह पर रखें, आप पाएंगे एक धन की निरंतरता बनी रहेगी। रेमेडी फॉर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। कई लोगों को आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, देखने में भी आता है, कई लोगों के साथ ही प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो पैरानॉर्मल सर्विसेज की बात हम जो करते हैं, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स की जो बात करते हैं, ये होती हैं। एक बार नहीं, कई बार हमारी नज़रों के सामने ये सब चीज़ें आई हैं, हमने देखा भी है। अब असलियत क्या होती है कि जिसको तकलीफ़ होती है, जिसको दर्द होता है, जिसको दुख होता है, उसी को उस चीज़ का दर्द भी समझ में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है और कुछ लोग बोलते हैं कि होता है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति इस समस्या, इस परेशानी से गुजरता है, तो उसको ये समझ में आती है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और उसको कितनी तकलीफ़ दे रही हैं। ऐसे किसी भी केसेस में मंत्र हीलिंग फिज़िकली, ऑनलाइन, हर तरह से बेनिफिटेड होती है, क्योंकि मंत्र हीलिंग एक सात्विक तरीका है। सात्विक तरीके से हम किसी चीज़ को बेहतर बना रहे होते हैं। फिर भी इसके अलावा, यदि आप दूर बैठे हुए हैं और यदि आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी का एहसास भी होता है, तो सबसे पहला काम करें आप, एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें 3 लौंग और 3 कपूर, 3 क्लोव 3 कैम्फर आप उसमें रखें और उसको जला दें। और ये एक्टिविटी को आपको कुछ दिनों तक निरंतर, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम दोनों टाइम पर करना है। एक और चीज़, आप अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करें, अपने हाथ में जल लें, उनका मंत्र पढ़ें, उनका स्मरण करें और उस पूरे जल को आप अपने घर में, जहाँ पर भी कहीं ऐसी एक्टिविटी देख रहे हैं, उसको छिड़क दें। ऐसा करने से आपको टेम्परेरी रिलीफ अवश्य ही मिलेगा। डूइंग दिस यू विल गेट टेम्परेरी रिलीफ। रेमेडी फॉर पूजा प्रॉब्लम्स। मैं जब बात करता हूँ पूजा की दिक्कतों की, जो आप नियमित रूप से लोग करते हैं, तो आप सोचेंगे उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब हमारे पास इस तरीके के कुछ केसेस आते हैं कि जब लोग हमसे बोलते हैं कि हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो घंटों पूजा करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप पूजा कर रहे हों तो आपका पूजा स्थान पूर्व में हो, आपका पूजा स्थान ईस्ट में हो। दूसरी चीज़, आप अपनी पूजा को नियमित बनाएं, एक नियमित ड्यूरेशन तक वो पूजा होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो कि आज 15 मिनट है तो कल 30 मिनट है। अधिक पूजा करने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा पूजा करने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, उतनी ही पूजा से लाभ मिलता है जितनी आपके लिए आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, एक मैरिड व्यक्ति के लिए 10 से 15 मिनट की पूजा आवश्यक होती है। उसमें आप अपने इष्ट देव डाउजर से, आप अपने इष्ट देव निकाल सकते हैं, डाउजर आपको आपके इष्ट देव बता देता है, तो डाउजर से आप अपने इष्ट देव निकलवा लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनके मंत्र स्मरण करें, अपने गुरु का मंत्र स्मरण करें और जिस भी प्लेनेट की ज़रूरत है, यानी चाहे वो गुरु हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो शनि हो, उनके स्रोत या उनके मंत्र का जाप करें। इससे ज़्यादा पूजा नहीं करें और इससे ज़्यादा यदि आपको पूजा करना है तो किसी भी गुरु को से आज्ञा लें, उनसे समझें, अपनी जन्मपत्री या अपनी कुंडली दिखाएं या हमसे आप डाउजिंग में ये चीज़ को मालूम करें, उसके बाद करें। आप देखेंगे कि जो पूजा फिर आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। रेमेडी फॉर डिस्टर्ब मैरिड लाइफ। देखिए, जीवन में सुख चाहिए तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने गृहस्थ जीवन में सुखी हों। गृहस्थ जीवन का सुख ही आपको बाहर, आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में अच्छी सफलता और सुख प्रदान कर सकता है। तो ज़रूरी ये होता है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें।
उसके लिए ज़रूरी है कि आपसी कलह आपसी मतभेद नहीं हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बेडरूम है उस बेडरूम में आप पिंक कलर करवा कर रखें। पिंक कलर लव और रिलेशंस के लिए यूज़ होता है। जो आपका बेडरूम है उस बेडरूम में आप एक ग्रीन कलर का बाउल लीजिए, उसमें 7 ग्लास बॉल्स जो होती हैं वो उसमें डालकर रखिए और उसमें थोड़ा सा परफ्यूम डाल लीजिए। ये पानी आपको रोज़ रात को बदलना रहेगा, इसको निरंतर करते रहें। रोज़ क्वार्ट्स एक स्टोन होता है, तो रोज़ क्वार्ट्स के पिरामिड्स को आप अपने बेडरूम के चारों कॉर्नर्स पर लगा सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स की बॉल जिसको आप हैंग कर सकते हैं अपने रूम में टॉप पर कहीं पर रूफ पर।